आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जय आजमगढ़ सेवा संस्थान के तत्वधान में मंगलवार को नेहरू हॉल के सभागार में आजमगढ़ गौरव सम्मान समारोह एवं पर्यावरण स्वास्थ्य शिक्षा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव व भाजपा के प्रेम प्रकाश राय, समाज सेवी राम सकल पटेल आदि ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों को पर्यावरण स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूक करना था। संस्थान के संस्थापक संजय निषाद, उपाध्यक्ष राकेश निषाद द्वारा सामाजिक व स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाले रमा हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित कुमार सिंह, वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर शिशिर जायसवाल, लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर अनूप सिंह यादव व विजय हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष त्रिपाठी को आजमगढ़ गौरव सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनके अलावा सामाजिक संगठन प्रयास के अध्यक्ष रणजीत सिंह, सचिव सुनील यादव, भारत रक्षा दल के मनीष कृष्ण अफजल, समाज सेवी राम सकल पटेल, रिलीफ इंडिया क्लब के लड्डू मिश्रा, पहल सेवा समिति के आरिफ, लायंस हेल्थ कमेटी के मुवस्सिर, अयुवाक संघ के गोविंद दुबे, परिवर्तन सेवा संस्थान गादीगिरी टीम के विवेक पांडे को भी सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह, प्रेम प्रकाश राय, अभिषेक जायसवाल दीनू, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव हनी उपस्थित रहे। लोगों को पर्यावरण स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति लोगों को सचेत रहने की बात कही। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुखराम लाल यादव, मुखराम निषाद, सपना निषाद, रीता यादव, विमला यादव, प्रदीप साहनी, राकेश निषाद, रमाश्री निषाद, रविंद्र कुमार, अनुज मौर्य, विकास शर्मा, विकास यादव, बिंदु मौर्य, आकाशदीप सिन्हा, सीताराम निषाद आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। जय आजमगढ़ सेवा संस्थान, आज हम लोगों ने आजमगढ़ गौरव सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा है। इसमें आजमगढ़ में जो कोरोना काल में जो लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा या सामाजिक संगठन या आजमगढ़ के डॉक्टरों लोगों ने इतनी सहायता, इतनी मदद लोगों की कि आज हम लोग राहत के लिए हैं। आज हम बता दें कि डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी और डॉक्टर शिशिर त्रिपाठी जी और डॉक्टर रमा हॉस्पिटल के अमित सिंह जी और लाइफलाइन हॉस्पिटल के माननीय अनूप यादव जी, ये लोग हमारे संगठन में आए और इन्होंने इस संगठन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस संगठन का मेन मकसद है कि हम लोगों पर्यावरण को जागरूक और स्वच्छता, महापुरुषों के सम्मान और सामाजिक जागरूकता के लिए संगोष्ठी रखे थे और ये कार्यक्रम आज का हमारा सफल हुआ। और मैं सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कार्यक्रम में आए और सफल बनाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।